चैनल द क्यू में मैं हूं सोनाली। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बटर कुकीज और कुकीज को मैं प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकीज बनाने के लिए मैंने बटर ले लिया है। यहाँ पर 50 ग्राम बटर है। पहले बटर को थोड़ा बीट करेंगे। यहाँ पर मैंने व्हिस्कर यूज किया है। अगर व्हिस्कर नहीं है तो आप स्पून यूज कर सकते हैं। अब 1/4 कप पाउडर शुगर डाल देती हूँ। यहाँ पर 40 ग्राम पाउडर शुगर है। अब इसको अच्छे से बीट करना है ताकि पाउडर शुगर बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। घर में हम जो चीनी खाते हैं मैं उसको ही मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया है। टेन मिनट्स हो गया है। बीट करते करते शुगर और बटर एकदम स्मूथ एंड क्रीमी बन गया है। अब 4-5 बूंद वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब शुगर और बटर बहुत ही फ्लफी बन गया है और बहुत ही क्रीमी बन गया है। अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। 1/2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर छान कर डाल देती हूँ। छान लेने से क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम हाथों से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे ताकि मैदा और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये डो फॉर्म में आ गया है। बहुत ही सॉफ्ट कुकी डो बन गया है। अगर आपके डो थोड़ा ड्राई लगे तो 2 चम्मच मिल्क ऐड कर सकते हैं। मेरा डो बिल्कुल भी परफेक्ट है इसलिए मैं मिल्क ऐड नहीं करूँगी। अब डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा गोलाकार बना लेते हैं और ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। सारे कुकीज को ऐसे ही बना लेंगे। आप आपके पसंद के हिसाब से कुकीज को थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा चॉको चिप्स दे देती हूँ। अब कुकीज बनाने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर मैं नमक डाल दिया हूँ। अब एक स्टैंड रख देती हूँ इसके अंदर और इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम में प्रीहीट कर लेते हैं। मैंने सीटी और गैसकेट को हटा दिया है। अब केक टिन को थोड़ा बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अब कुकीज़ को रख देती हूँ। बीच में थोड़ा गैप रखना ज़रूरी है क्योंकि बेक होने से कुकीज साइज में डबल हो जाएगा। अब कुकर में रख देती हूँ। ढक देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखना है और इसको 15 मिनट्स तक बेक करना है। 10 मिनट्स हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फूल गया है कुकीज़। और 5 मिनट इसको बेक करना है।
टोटल मैंने 16 मिनट्स बेक किया है, अब निकल लेते हैं। जब कुकीज के ऊपर थोड़ा क्रैक आ जाएगा तब समझो कि कुकीज बन गया है। इसको ठंडा होने के बाद निकल लेंगे, अभी ये बिल्कुल भी सॉफ्ट है। कुकीज पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है, चलिए अब एक कुकीज को तोड़कर दिखा देती हूं। बहुत ही अच्छे टेक्सचर आया है। सारे कुकीज को मैंने ऐसे ही तैयार करके ले लिया है। तो आपने देखा कितना आसानी से कुकीज बनके तैयार हो गया है, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए और बच्चों के लिए कुकीज बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।